तो हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं एक मिनी डिल चक बनाने वाला हूँ। ये डिल चक अगर आप ऑनलाइन मंगाते हो तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, लेकिन इस वीडियो में आप इसे फ्री में बनाकर तैयार कर सकते हो और छोटी मोटी डिलिंग कर सकते हो। तो इसे बनाने की पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए टमाटर केचप की जो बोतल होती है उसका ढक्कन ले रहा हूँ। इसके जो पीछे का हिस्सा है उसे काट कर निकाल देना है, क्योंकि वो हमारे किसी काम का नहीं है। तफलन इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो ये आपके घर में कहीं पर भी मिल जाएगा। अभी इसने इस हिस्से को धोकर जब साफ़ कर लेंगे, इसके अंदर टमाटर केचप लगाए उसको हटा देंगे। अब एक 12 बोल्ट की डीसी मोटर ले रहा हूँ। इसके आगे मैंने पीवीसी पाइप का एक टुकड़ा चिपका दिया है। अब इसको घिसकर जो बोतल का ढक्कन था उसके बराबर कर देना है। तो फाइनली गैस मैंने इसको घिस कर तैयार कर लिया है। जो बोतल का जो अंदर वाला ढक्कन है ना गैस, उसके बराबर का आपको इसका करना है। और यहाँ मैंने दो पीवीसी पाइप के टुकड़े चिपकाए, आप ज़्यादा भी चिपका सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो फिर मैंने इसको धोकर तैयार कर लिया है। अब इसको पेपर पर घिस कर एकदम सीधा कर लेंगे, कहीं टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए वरना दिक्कत करेगा। अब ये पीवीसी पाइप के जो हिस्से को घिस कर गोल किया था ना, उसके आगे जो टमाटर केचप की बोतल का ढक्कन था इसको यहाँ पर इस तरीके से चिपका देना है। इसको एकदम सीधा चिपकाना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चिपकाना वरना दिक्कत होगी, और एकदम सेंटर में चिपकाना है आपको। चिपकाने के लिए मैं फेविक्विक का यूज़ कर रहा हूँ, आप और किसी चीज़ से भी चिपका सकते हो। और मजबूती के लिए मैंने यहाँ पर पीवीसी पाइप का जो बुरादा होता है उसको डाल दिया है, और देख सकते हो फ्रेम इसको एकदम सेंटर में एकदम सीधा चिपकाया है। आपको आगे पीछे नहीं चिपकाना, एकदम बीच में चिपकाना है, तो एकदम बीच में सही चिपकाए। अब ये जो पीवीसी पाइप का बुरादा लग रहा है इसके आगे, इसको किसी भी पेपर पर घिस कर इसको एकदम गोल कर देंगे। चलिए इसको घिस लेते हैं। अब इस ढक्कन के अंदर जो गड्ढा दिख रहा है इसको घिसकर एकदम प्लेन कर देंगे। अब गाइस इसके साइड में जो एक्स्ट्रा पीस लेकर डे इसको काट कर आपको ढक्कन के बराबर कर देना है, कि इसकी कमी कोई जरूरत नहीं है। फिर इसको घिस कर गोल करेंगे, और ये जो ढक्कन काटा है इसके अंदर इस तरीके से आएगा। अब इसको घिस कर आगे का जो हिस्सा है उसको गोल कर देंगे, बिल्कुल जो ड्रिल चक होता है उसकी तरह। तो गाइस इस हिस्से को मैंने घिसकर गोल कर लिया है। अब इसका जो आगे वाला हिस्सा है यहाँ पर एक होल करना पड़ेगा।
तो गाइस अब इस होल को बड़ा करना पड़ेगा और ये 6 mm का ड्रिल बिट है। तो गाइस यहाँ तक तो काम कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी ये बनकर तैयार नहीं हुआ और एक होल मैंने कर लिया है, लगभग 6 या 8 mm का होगा। लेकिन अब इसके अंदर बिट लगाने के लिए आपको इसका अडेप्टर बनाना होगा, बिना अडेप्टर के ये जो बिट को नहीं पकड़ेगा। अलग अलग साइज़ के आपको अडेप्टर बनाने पड़ेंगे, 1 mm 2 mm, तो बिट के हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा, तभी ये बिट को पकड़ेगा। इसके अंदर डालकर आप टाइट कर सकते हो। तो चलिए उसको भी बना लेता हूँ। तो गाइस मैंने इसको सैंड पेपर में घिसकर गोल कर लिया, लेकिन ये अभी एकदम गोल नहीं है। अभी इसके अंदर डालकर इसको एकदम गोल करना पड़ा, तभी इसके अंदर एकदम फिट आएगा। तो फाइनली गाइस ये बनकर तैयार हो चुका है और इसके अंदर इस तरीके से आएगा और अलग अलग साइज़ के आप अडेप्टर बना सकते हो। बस इसके अंदर आगे जो होल किया है उसको आपको बिट के हिसाब से करना पड़ेगा और इस तरह से अंदर लगाकर इसको कस सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको यूज में ले सकते हो। और फिर इसके अंदर कट लगानी होगी जिससे बिट को पकड़ेगा। चलिए वो कट भी लगा लेते हैं। तो फाइनली गाइस ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है, इसकी टेस्टिंग वगैरह करेंगे। देखिए इस तरीके से आपको कट लगानी होगी, जब भी कसोगे तो ये बिट को टाइट कर लेगा और अलग अलग साइज़ के आप अडेप्टर बनाकर तैयार कर सकते हो। बिट को इसके अंदर डालो, उसके अंदर डालने के बाद में इसका जो दूसरा हिस्सा बनाया था अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए इसको इस तरीके से खोल कर इसका जो आगे वाला हिस्सा है उसके अंदर आप इसको डाल सकते हो। इसके अंदर इस तरीके से डालकर बिट को आपको एकदम सीधा रखना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, होना दिक्कत करेगा। इस तरीके से डालकर जो आगे वाला हिस्सा है इसका ढक्कन उसको लगा देना ताकि निकले नहीं, और अलग अलग साइज़ की आप बिट इसके अंदर लगा सकते हो और इस तरीके से यूज में ले सकते हो। ये जो ड्रिल चक है आप अगर ऑनलाइन मंगाते हो तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, लेकिन यहाँ ये फ्री में बनकर तैयार हो रहा है, इसे बनाने में आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। तो देख सकते हो फ्रेंड ये इस तरीके से इसके अंदर आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं किस तरीके से काम करता है। फ्रेंड देख सकते हो ये ड्रिल चक बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है और मैक्सिमम आप इसके अंदर 4 mm तक का ड्रिल बिट लगा सकते हो। और बड़ा लगाना चाहते हो तो आप और बड़ा ढक्कन ले सकते हो और छोटी मोटी ड्रिलिंग जो है कि आराम से कर देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। देख सकते हो बिट इसके अंदर इस तरीके से फंसा रहेगा। और ड्रिल चक के मैंने और भी बहुत सारे वीडियो बनाए, तो उसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। तो फ्रेंड इस तरीके से आप घर में पड़े जो वेस्ट सामान होते हैं उसका इस तरीके से यूज कर सकते हो। ये ड्रिल चक आपको ऑनलाइन थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन घर पर आप फ्री में बनाकर तैयार कर रहे हो, सिर्फ आपकी मेहनत लगी इसे बनाने में। और मेरी जो मेहनत लगी इस वीडियो के अंदर, तो उसके लिए एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में बता सकते हो कैसा लगा वीडियो आपको। चलिए फ्रेंड मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर।